हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आयस। अधिष्ठान आयस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चलाया हुआ है जिसके अंदर हम 6th से लेकर 12th क्लास के एनसीईआरटी इस साल सारे ही सब्जेक्ट्स के कंप्लीट करेंगे। आज हम जो कर रहे हैं वो पॉलिटी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी कर रहे हैं और इसके अंदर हम क्लास 6th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, राइट। इस एनसीईआरटी के अंदर 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अर्बन लाइवलीहुड। हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा था डायवर्सिटी। डायवर्सिटी के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट समझा था कि डायवर्सिटी होता क्या है। फिर हमने ये समझा था डायवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। तो यूनिट वन इस पूरी बुक के अंदर, यूनिट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मीन्स के बहुत सारे पॉइंट्स अपन को मिल जाते हैं। फिर हमने यूनिट सेकेंड पढ़ा था गवर्नमेंट। व्हाट इज गवर्नमेंट, की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती क्या है। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर भी, ठीक है। फिर हमने पंचायती राज पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 पे, जिसमें इसके अंदर बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पर पंचायती राज दे रखा है। तो आपको अगर सिंपल भाषा में समझना है पंचायती राज क्या है तो उसके अंदर आप ये चैप्टर नंबर 5 दे सकते हैं। फिर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा। फिर हमने रूरल लाइवलीहुड के बारे में पढ़ा और आज हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज अर्बन लाइवलीहुड। अर्बन लाइवलीहुड के बारे में जानेंगे कि भाई जो शहरों में रहते हैं लोग वो अपनी जीविका कैसे चलाते हैं वो हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स हमने लॉन्च करा है, इकोनॉमिक्स का कोर्स। देखिए इकोनॉमिक्स का अभी तक हमने ऐसा कोई मॉड्यूलर फॉर्म के अंदर कोर्स स्टार्ट नहीं करा था, ठीक है। बट ये कोर्स जो है दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है इकोनॉमिक्स का। तो इसके अंदर हम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, ठीक है, दोनों ही इसके अंदर हम कवर करेंगे। और इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी रहेगी, मेंस की टेस्ट सीरीज भी रहेगी। बहुत सारी रिपोर्ट्स हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका कंटेंट एनरिचमेंट रहेगा। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे सोसाइटी का पोर्शन भी कवर करेंगे। इकोनॉमिक्स और सोसाइटी का बहुत अच्छा रिलेशन है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का बहुत अच्छा रिलेशन है, ठीक है। इन सब के बारे में हम बहुत सारा कुछ इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स का कोर्स ना समझ कर इसको समझो कि हम कुछ बड़ा पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, राइट। तो जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स के अंदर थोड़ी भी प्रॉब्लम है, ठीक है, देखिए मैंने 17 नंबर का लेक्चर आपको पढ़ाया था, इकोनॉमिक्स समझ में आ सकती है, ठीक है, उससे आपको एक पता चला। अब इकोनॉमिक्स के ऊपर हमको एडवांस फॉर्म के अंदर हमको समझना है, ठीक है। फाउंडेशन प्लस एडवांस बैच है ये, सभी बच्चे इसको ज्वाइन करें। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है पूरे वीडियो का, ठीक है, कि किस तरह से इकोनॉमिक्स का कोर्स चलेगा, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो लिंक देख लो। आइए हम समझते हैं चैप्टर नंबर 9 अर्बन लाइफ। चलिए तो समझते हैं। देखिए चैप्टर 9 जो है उसकी स्टार्टिंग में एक कहानी बताई है, राइट। एक लड़की है, वो अपने कजन के घर जाती है और कजन का घर जो है वो सिटी के अंदर है। अब वो कजन के घर जब सिटी के अंदर जाती है तो वो घूमते हैं पूरी सिटी के अंदर, घूमने उनको बड़ा मजा आता है और घूमते घूमते वो पूरी अर्बन लाइवलीहुड को देख लेते हैं, है ना। वो हमको समझा देते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग रहते हैं, किस तरह से लोग यहाँ पर अपनी जीविका चला रहे हैं, ये हम इसके अंदर समझते हैं। तो जाते जाते वो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं, राइट। एक रिक्शा चालक है, रिक्शा चालक क्या है, इस तरह से सोया हुआ है, राइट। उसकी कहानी यहाँ पर बताते हैं आपको एनसीईआरटी के अंदर कि इस रिक्शा चालक का नाम जो है ना दैट इज बच्चू मांझी। बच्चू मांझी एक बिहार के विलेज के अंदर रहता था, राइट। और फिर वो क्या कर रहा है, वो रिक्शा चलाने के लिए शहर में आ जाता है। अब उसके पास ना घर में जमीन है, राइट, और उसके 3 बच्चे भी हैं तो उनको पालना है, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर घर पर रिक्शा चलाने के लिए यहाँ पर रहता है। जस्ट गिव मी सेकंड। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद जो बच्चू मांझी है, राइट, वो क्या कहता है कि भैया देखो रिक्शा चलाने का जो 6 किलोमीटर के आसपास का एरिया है उसके अंदर पूरा मैं रिक्शा घुमा देता हूँ अपना, और 10 से 30 रुपए मेरे को मिलते हैं, तो मेरे को 200 से 300 रुपए यहाँ पर हर दिन मिल जाते हैं, जिसमें से 100 से 150 रुपए मैं खर्च कर देता हूँ फूड वूड पे और बाकी के मैं सेविंग कर लेता हूँ। ऐसे बच्चू मांझी जैसे बहुत सारे लोग जो है ना वो अर्बन लाइवलीहुड का पार्ट है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। आप यहाँ पर देखो अर्बन लाइवलीहुड का मतलब ये नहीं है 9 से 5 बजे वाला जॉब, ठीक है, ऑफिस जॉब, वही नहीं है। इस तरह के लोग जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अर्बन लाइवलीहुड के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अर्बन लाइवलीहुड का। इन लोगों की कुछ कहानी आप समझो, जैसे ये एक तरह से ये भी रिक्शा चलाने वाला ही है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसके कपड़े भी लगे हुए हैं, राइट, यहाँ पर उसके बर्तन भांडे ये सब कुछ पड़ा है, राइट। इस तरह से अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो इसने अपना घर जो है वो स्ट्रीट में, और ये क्या है, ये कोई घर नहीं है, ये एक स्ट्रीट है। तो ये लोग जो होते हैं ना ऑफन वर्कर्स हु मेक ए लिविंग इन द सिटीज आर फोर्स टू सेट अप द होम ऑन द स्ट्रीट एज वेल, राइट। बिलो इज द स्पेस वेयर सेवरल वर्कर्स लिव विद बिलोंगिंग्स, ठीक है, ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे ये अपने यहाँ पर ये बिलोंगिंग्स यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है, और खुद काम पे निकल लेते हैं, फिर आते हैं रात को और रात को भी यहीं कहीं सड़कों पे सो जाते हैं। ऐसे इनकी क्या है, ऐसे इनकी जिंदगी होती है, ये स्ट्रीट वेंडर्स की जिंदगी इस तरह से बताई गई है। ऐसे शहरों के अंदर बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं,
तो आई होप दिस इज क्लियर। लाइक बच्चू मान जी, लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन सिटी वर्क ऑन द स्ट्रीट्स, ठीक है। जैसे एक एक डेटा आपको बताते हैं, अहमदाबाद जैसी सिटी है उसके अंदर 12% जो लोग हैं वर्कर्स जो हैं वो स्ट्रीट वेंडर्स ही हैं, जो अपनी कुछ कुछ चीजें यहाँ पर बेचते हैं, कुछ रिपेयर करते हैं, राइट। इनका खुद का काम करने का तरीका होता है, ये कहाँ से काम कहाँ पर अपना शॉप बनाएंगे, कहाँ पर टेम्परेरी शॉप्स होती हैं इनकी, ठेले वेले कहाँ पर लगाएंगे, ये खुद ही अपना डिसाइड करते हैं, राइट। बट आप देखोगे इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको है ना पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं। पुलिस वाले कभी भी आ जाते हैं और इनको क्या करते हैं, इनको इनका पूरा सामान को डिसमेंटल कर देते हैं, राइट। ये कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पर इन लोगों को ऐसे क्रिटिसाइज करा जाता है कि ये ठेले इधर उधर घूमते रहते हैं, इसके कारण क्या होता है ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम हो जाता है, राइट। तो इन लोगों को बहुत परेशानी है। अगर आप देखेंगे, वेंडर सेल थिंग्स दैट आर ऑफन प्रिपेयर्ड एट द होम, ठीक है, घर पे बनाकर ये बाहर ये बेचते हैं इस तरह से, ठीक है, स्ट्रीट के अंदर। बट दिस देयर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर इन द कंट्री। कंट्री के अंदर अगर हम देखें अर्बन एरियाज के अंदर 1 करोड़ के आसपास स्ट्रीट वेंडर, आप सोच कर देखो कितनी बड़ी पॉपुलेशन है और ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है अर्बन लाइवलीहुड का। स्ट्रीट वेंडर्स वॉज टिल रिसेंटली लुक्ड अपॉन एज ए ऑब्स्ट्रक्शन टू द ट्रैफिक एंड टू द पीपल वॉकिंग। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इनको ऑब्स्ट्रक्शन की तरह देखा जाता था, बट अभी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इनके लिए आवाज उठाई और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि भाई तुम इनको इस तरह से मत देखो, ये भी एक तरह से अपनी जीविका चला रहे हैं, और आप इनके लिए हॉकिंग जोन्स बना दो बहुत सारे, इनके लिए कमिटीज होनी चाहिए, इन कमिटीज के अंदर ये इनका इनके लोग होने चाहिए बहुत सारे, राइट। इस तरह से इसके अंदर बात करी गई। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इन्होंने कहा कि कम से कम जैसे अब सब्जी वाला है, सब्जी वाले के लिए हॉकिंग जोन्स बना दोगे तो वो घर घर कैसे जाएगा सब्जी बेचने के लिए। तो कुछ जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको तो इन्होंने कहा कि उनको अलाउ कर दो टू मूव अराउंड फ्रीली, कुछ जोन्स यहाँ पर बना दो सिटीज के अंदर। इस तरह से इन लोगों ने, इन ऑर्गेनाइजेशन ने इनके लिए आवाज उठाई और इनको कहा इनका भी राइट टू अर्न लाइवलीहुड है, वो इनका भी सिक्योर होना चाहिए। इस तरह से इनके बारे में बात करी गई। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में इसके अंदर बात करी गई कि स्ट्रीट वेंडर्स आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अर्बन लाइवलीहुड। तो हमको अर्बन लाइवलीहुड से ये समझ में आता है भाई ऑफिस होंगे, फैक्ट्री होंगी, नहीं, स्ट्रीट वेंडर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे अहमदाबाद वाली सिटी का एग्जाम्पल देखो, 12% जो वर्कर है वो तो स्ट्रीट वेंडर्स ही है। फिर अब अगर हम आगे देखेंगे तो आगे फिर ये लोग क्या हुए, मार्केट में गए। मार्केट द शॉप्स वर जस्ट बिगिनिंग टू ओपन, मार्केट के अंदर अभी शॉप खुली रही थी। इनको क्या है, इन्होंने देखा कि बहुत सारी शॉप्स है, स्वीट की शॉप, टॉय की शॉप, क्लोथ, फुटवेयर्स, इस तरह की बहुत सारी शॉप्स है। तो ये गए थे रेडीमेड क्लोथ खरीदने। तो अब देखो आपको यहाँ पर शोरूम इकोनॉमी यहाँ पर समझाएंगे कि अर्बन जगह पर शोरूम इकोनॉमी किस तरह से चलती है। तो ये एक शोरूम के अंदर गए, वो शोरूम के अंदर 3 फ्लोर थी, राइट, 3 फ्लोर का शोरूम था। ऊपर इन्होंने गर्ल्स वाले सेक्शन के अंदर गए, राइट। तो ये ऐसे बताते हैं कि हम शोरूम के अंदर गए, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स थी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स तरह से होते हैं। तो शोरूम इकोनॉमी कैसे होते हैं, यहाँ पर दो बिजनेस लेडी के बारे में हम बात कर रहे हैं, हरप्रीत और वंदना। हरप्रीत ऐसे बोलती है कि मेरे पिताजी की और अंकल की एक स्मॉल शॉप है। तो स्मॉल शॉप भी होती है वहां पर बहुत सारी, ठीक है, अगर आप देखेंगे। और ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम एंड ऑन द संडे माई मदर एंड आई हेल्प देम इन द शॉप्स। I started working there only after जब मेरा कॉलेज खत्म हो जाता है तब मैं क्या करती हूँ, वहां पर काम करती रहती हूँ, राइट। इस तरह से एक शॉप के बारे में बताई गई हरप्रीत की। इस तरह से वंदना के बारे में, वंदना जो है ना उनके बड़ा शोरूम उनका है, ठीक है, वो जो 3 फ्लोर वाला शोरूम है वो उनका ही था। इन्होंने कहा कि हमने ये शोरूम कुछ साल पहले खोला था, मैं डिजाइनर हूँ, ड्रेस डिजाइनर, और हमारा बिजनेस अब बदल गया है। हमारे बिजनेस के अंदर अब रेडीमेड क्लोथ का बहुत ज्यादा बोलबाला है, ठीक है। तो रेडीमेड क्लोथ के लिए हमको इस तरह से शोरूम बनाने पड़ते हैं जिससे कि लोग अच्छे से देखें, उसके अंदर डिस्प्ले भी अच्छे से लगाना पड़ता है, और ये शोरूम इसलिए हमने ओपन करा है जिससे कि हमारा रेडीमेड क्लोथ अच्छे से बिक पाए। इसके बाद इसके लिए हमको और बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, हमें एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है न्यूज़पेपर्स के अंदर, रेडियो के अंदर, चैनल्स के अंदर, रेडियो चैनल्स में, टेलीविजन्स में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है। इस तरह से शोरूम इकोनॉमी चलती है। Certainly this building is rented, but soon we plan to buy. बहुत सारे शोरूम अगर अर्बन एरियाज के अंदर आप देखेंगे तो रेंट पे ही वो चल रहे हैं। I hope this is clear. इन शोरूम इकोनॉमी के अंदर एक बात और खासियत रहती है कि ये different different places से अपने material मंगाकर यहाँ पर लगाते हैं अपने शोरूम पे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो क्लोथ का शोरूम है, यहाँ पर क्लोथ जो मंगाए जाते हैं रेडीमेड क्लोथ, मुंबई से, अहमदाबाद से, लुधियाना से, त्रिपुरा से मंगाए जाते हैं, कुछ कुछ नोएडा से, गुड़गांव से भी मंगाए जाते हैं, कुछ फॉरेन कंट्रीज से भी मंगाए जाते हैं। तो नीड के हिसाब से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट अपने शोरूम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री से क्लोथ्स मंगाकर यहाँ पर लगा रहे हैं, मटेरियल मंगाकर यहाँ पर रखते हैं ये लोग, और फिर ये बेचते हैं। ये शोरूम इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अर्बन लाइवलीहुड का।
आई होप दिस इज क्लियर। अब ये जो शॉप्स हैं, जैसे वंदना का देखा शोरूम है, हरप्रीत का शॉप है, तो ये शॉप शोरूम्स ये सब है ना परमानेंट ऑफ है, परमानेंट जॉब है इनका। ये परमानेंट जॉब का मतलब क्या है कि ये परमानेंट शॉप्स हैं। इसके अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इनको लाइसेंस दे रखा है कि आप यहाँ पे आराम से शोरूम खोल के आप यहाँ पर अपने क्लोथ्स बेचो, अपने सामान बेचो, ये परमानेंट शॉप्स है। पर स्ट्रीट वेंडर वाले देख रहे थे आप, वो परमानेंट शॉप्स नहीं थे। तो स्ट्रीट वेंडर वाला कॉन्सेप्ट भी हमने समझा कि वहां अपना ठेला लेकर, उसकी वो दुकान है ठीक है, ठेला वो इधर उधर घूमता रहता है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स वो समझा। फिर हमने देखा कि जो मार्केट के अंदर होता है, तो मार्केट के अंदर शोरूम इकोनॉमी टाइप की होती है, छोटी छोटी दुकानें होती हैं। ये सारी दुकान जो होती हैं इनको लाइसेंस दिया जाता है किसके द्वारा, दे आर गिवन लाइसेंस बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही पूरे मार्केट को गवर्न करता है, वही बताता है कि एक दिन की छुट्टी होगी मार्केट में तो वो कब होगी। जैसे यहाँ का मार्केट जो है वो एनएसडे को क्लोज रहता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी स्मॉल शॉप्स हैं, स्मॉल ऑफिसेज हैं, कुछ बैंक्स, कुरियर सर्विसेज और ये सब चीजें होती है मार्केट के अंदर। तो इस तरह से मार्केट का सीन उन्होंने बताया और मार्केट इकोनॉमी जो होती है उसके अंदर क्या क्या होता है, ये चीजें इन्होंने बताई, राइट। अब ये आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो इन्होंने अब कोई कपड़ा खरीद लिया होगा। अब कपड़े पे इनको जरी का वर्क कराना है और जरी का वर्क जो होता है वो फैक्ट्री में होता है। तो अब देखो फैक्ट्री की लाइफ देखो, फैक्ट्री की लोगों की लाइफ यहाँ पर समझना। तो अब इन्हें फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया, आई वॉन्टेड टू हैव ए जरी वर्क, तो मुझे क्या करना है, ड्रेस के ऊपर जरी वर्क कराना है। तो ये बोलती है कि मैं अब कई फैक्ट्री के अंदर जाऊँ। तो फैक्ट्री के अंदर इसकी एक जानकार है निर्मला, तो निर्मला के पास ही जाए ये जरी वर्क करवाने। तो उसके लिए बस पकड़ते हैं और बस पकड़कर वो देखते हैं कि बस तो बड़ी क्राउडेड होती है अर्बन एरियाज के अंदर और बहुत लोग एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं। मैं तो एक कॉर्नर में जाके खड़ी हो गई, इस तरह से इसके अंदर बात करी। इसके बाद जब वो उतरे ना, जैसे वो क्रॉस कर रहे थे, क्रॉसिंग को क्रॉस कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे उनको बहुत सारे लोग बैठे हुए मिले जिनके पास अपने अपने जो थे टूल्स थे, है ना, जो टूल्स थे। जैसे ये बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, आपने देखा होगा आपके एरियाज के अंदर भी लेबर चौक होंगे। लेबर चौक मतलब जहां पर रेलवे स्टेशन के पास बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, ठीक है ना, बेलदार लोग, जो मिस्त्री लोग होते हैं वो लोग खड़े रहते हैं अपने, उनके पास पूरा अपना वो होता है औजार, फावड़ा वावड़ा और ये सब चीजें जो भी इनको काम में होते हैं, राइट, वो सब चीजें इनके पास होते हैं। वो वेट करते रहते हैं कि कोई आए स्कूटर पे बैठा के हमको ले जाए और हम उसके घर काम कर ले। तो यहाँ पर हमें भी पता रहता है कि यहाँ पर लेबर बैठते हैं, तो हम यहाँ से लेबर को उठाकर अपने घरों में काम करना होता है तो कुछ लेकर जाते हैं, राइट। तो ऐसा लेबर चौक देखा। और ये लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अर्बन लाइवलीहुड का। अर्बन लाइवलीहुड का अगेन 9 to 5 वाला जॉब भी नहीं, हमने देखो तीन तरह के लोग पढ़ लिए, एक तो स्ट्रीट वेंडर्स पढ़ लिए है ना बच्चू मान जी, ठीक है, एक हमने दूसरा पढ़ लिया जो हरप्रीत और वंदना की कहानी पढ़ ली, ठीक है। शोरूम इकोनॉमी हमने समझी, शोरूम इकोनॉमी क्या होती है, छोटी छोटी शॉप्स और ये सब चीजें परमानेंट शॉप्स के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर अब हम देख रहे हैं यहाँ पे लेबर चौक हमने इसके अंदर देखा, दे सीम टू बी वेटिंग फॉर समवन, देर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग ऑन द रेलिंग्स ऑन इट ऑन इन ग्रुप्स एट द क्रॉसिंग्स, ठीक है। सम ग्रुप्स अगर हम देखेंगे, कुछ ग्रुप्स जो हैड पीपल ऑन द स्कूटर स्टैंडिंग बाय एंड टॉकिंग विद देम, कुछ उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है, कि इनको लेके जाना होगा कहीं, कुछ काम के लिए बात कर रहे होंगे। ये जो प्लेस है ये लेबर चौक है, मेरे कजिन ने बताया कि ये लेबर चौक है। दिस वर डेली वेज लेबरर्स हु वर्क एज ए हेल्पर टू मैशोन्स, ठीक है, बेलदार टाइप के लोग होते हैं ये लोग, वहां पर जाते हैं लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, डिग पाइपलाइन, टेबल केबल्स, ऑल्सो बिल्ड रोड्स, ऐसे ये सब काम थे। तो ये जो वर्कर है ना, दे आर कैजुअल वर्कर्स, इन वर्कर्स को कैजुअल वर्कर्स अपन कहते हैं, ठीक है। तो अब फिर ये वर्कशॉप के अंदर चले गए, ठीक है, अब जो रास्ते में दिख रहा है वो सब एक्सप्लेन करते हुए जा रहे हैं पूरी अर्बन लाइवलीहुड को, राइट। फिर अब यहाँ पर देखो उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी मशीनों पे बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। फिर उन्होंने निर्मला को ढूंढा, निर्मला से बात करने लगे, निर्मला से जरी का वर्क कराया, ठीक है। फिर अब निर्मला की कहानी सुना रहे हैं कि निर्मला जो एक फैक्ट्री के अंदर काम करती है, फैक्ट्री का वर्कर जो होता है उसका क्या लाइफ होता है। तो देखिए यहाँ पर इसके अंदर बोला, वर्कर्स लाइक निर्मला हैव टू वर्क एवरी लॉन्ग आवर्स इन द मंथ फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल। एक तो इनका दिसंबर से अप्रैल तक का ही काम चलता है, ये जिस फैक्ट्री में काम करती है निर्मला उसके अंदर इनको दिसंबर से अप्रैल तक यहाँ पर काम होता है, तो वहीं इतनी ही जॉब मिलती है, बाकी के महीने इनको जॉब नहीं मिलती। मतलब साल में 3-4 महीने इनको जॉब रहते हैं, बाकी फिर इनकी जॉब नहीं रहती क्योंकि बाकी काम फिर होता नहीं। ये जो फैक्ट्री होती है जनरली जो होती है वो सीजनल वर्क करती है, ठीक है, कुछ सीजन आता है पीक सीजन उसमें काम करती है, तब बहुत सारे लोगों को हायर कर देती है, फिर बाकी के लोगों को वहां पर निकाल देती है जैसे इनका काम का लोड कम होता है, ठीक है, जैसे ऑर्डर आता है ये बुला लेते हैं फिर निकाल देते हैं। तो मतलब निर्मला की जॉब जो है दैट इज नॉट फिक्स्ड,
जो फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स हैं उनकी जॉब फिक्स नहीं है, 9 AM से लेकर 10 PM तक तो उनको काम करना पड़ता है, 6 days वीक के अंदर काम करना पड़ता है, शी वर्क ऑन द संडे ऑल्सो, जिससे कि उसको थोड़ा ज्यादा पैसा मिल जाए। बाय जून द वर्क इज ओवर एंड द फैक्ट्री रिड्यूस स्टाफ, ठीक है, कम कर देंगे, निर्मला को भी निकाल देंगे, फॉर अबाउट 3 or 4 months इन द ईयर देयर इज नो वर्क फॉर देम, 3-4 महीने के लिए उनके पास कोई काम नहीं रहता। तो आप यहाँ पे देखें, निर्मला जैसे जो लोग हैं जो फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज कैजुअल, ये भी कैजुअल बेसिस पे ही काम कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो डू नॉट हैव द परमानेंट जॉब्स। जब एम्प्लॉयर को इनकी जरूरत होती है तब वो इनको हायर कर लेता है, तब निकालना होता है तब निकाल देता है। दे आर एम्प्लॉयड व्हेन द एम्प्लॉयर गेट लार्ज ऑर्डर्स और ड्यूरिंग सर्टेन सीजंस, एट अदर टाइम्स ऑफ द ईयर दे हैव टू फाइंड सम अदर वर्क्स, ठीक है। जॉब्स लाइक निर्मला आर नॉट परमानेंट, इनकी जॉब भी परमानेंट नहीं होती, कोई जॉब सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं होती, इवन इनको बहुत इल ट्रीट भी करा जाता है, इल ट्रीटमेंट इनको करा जाता है। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द क्लोथ मिल्स यूनिट्स द वर्कर्स वर्क ऑन डे एंड नाइट शिफ्ट विद ईच शिफ्ट लास्टिंग 12 आवर, 12-12 घंटे की इनकी जॉब होती है, 12-12 घंटे की इनकी शिफ्ट होती है। तो ये भी कैजुअल वर्कर्स ही हैं। अब हम चलते हैं ऑफिस वर्कर्स के पास, जो कि एक तरह से परमानेंट वर्कर्स हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, लास्ट के अंदर अपनी आंटी के पास जा रहे हैं, आंटी इनकी मार्केटिंग मैनेजर है किसी कंपनी के अंदर, और उसके अंदर 50 सेल पर्सन को वो देखती है, राइट। अब आंटी की कहानी सुनो, शी गेट अ रेगुलर सैलरी एवरी मंथ, हर मंथ उनको रेगुलर सैलरी मिलती है, एंड इज ए परमानेंट वर्कर विद द कंपनी, शी कैन एक्सपेक्ट हर जॉब टू कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसके साथ साथ उनको बहुत सारे सोशल बेनिफिट भी मिलते हैं। निर्मला का जॉब जो था दैट इज नॉट परमानेंट, बट ये आंटी है सुधा आंटी, इनका जॉब परमानेंट था, राइट। सेविंग फॉर ओल्ड एज, इसके अंदर क्या होता है, ये फंड अपना एक इनका फंड होता है विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ ये फंड रखते हैं ऐसे लोग, ठीक है, जो कि रेगुलर वर्कर्स हैं, दे आर नोन एज फॉर्मल वर्कर्स, इनको हम फॉर्मल वर्कर्स भी बोलते हैं। तो इनके लिए ओल्ड एज के लिए सेविंग भी इनकी हो जाती है, ठीक है, जब ये रिटायर होंगी तो उसके अंदर बहुत सारा पैसा इनको मिल जाएगा उस सेविंग के अंदर से। मान लो इनकी 40,000 की इनकम है तो 5,000 रुपये जो है वो सेविंग फंड के अंदर जा रहे हैं, उसके अंदर खूब इंटरेस्ट भी मिलता है, और जब हर महीने ये जमा हो रहे हैं, और जब इनकी जब ये ओल्ड एज की हो जाएंगी, रिटायर हो जाएंगी, तब इनको एक साथ वो पैसा मिल जाएगा, है ना। फिर अगर हम बात करें तो बहुत सारी हॉलीडेज भी इनको मिलती है, एनुअल हॉलीडेज, मंथली एनुअल हॉलीडेज यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है, जैसे CL मिल गया, PL मिल गया, पेड लीव, कैजुअल लीव्स, ऐसी भी मिलती हैं इनको। इसके अलावा नेशनल हॉलीडेज होती हैं, वो तो उसके अंदर तो इनको जॉब छुट्टी मिलती हैं, राइट। फिर मेडिकल फैसिलिटीज फॉर हर फैमिली, उसके अलावा उनको मेडिकल अलाउंसेस भी मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे वर्कर्स हैं जो ऑफिसेज के अंदर वर्क करते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करते हैं, जो कि रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर्स हैं, दिस इज नोन एज फॉर्मल वर्कर्स, ठीक है। जो कैजुअल वर्कर्स अपन ने पढ़े, फॉर्मल वर्कर्स भी पढ़े। तो हमने ये देख लिया कि पूरे सिटी के अंदर किस तरह की लाइवलीहुड चलती है, राइट, अर्बन एरियाज के अंदर किस तरह, आपको स्ट्रीट वेंडर भी दिख जाएंगे, तो आपको छोटी शॉप्स भी दिख जाएंगी, बड़ी शॉप्स भी दिख जाएंगी, ठीक है, जो अपने शोरूम वाली इकोनॉमी समझी थी। इसके अलावा हमने देखा कि इसके अलावा हमने डेली वर्कर्स वाला सिस्टम भी देखा, है ना, लेबर चौक वाला सिस्टम भी देखा जिसके अंदर कैजुअल वर्कर है। फिर हमने निर्मला जैसे लोग भी देखे, राइट, जो कि क्या है, फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, वो भी कैजुअल वर्कर्स की कैटेगरी के अंदर। फिर हमने फॉर्मल वर्कर्स भी देखे। तो इस तरह से इस चैप्टर ने पूरा अर्बन लाइवलीहुड आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर।